पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया सीमांचल में राजनीतिक दलों की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्व सांसद और जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में खुर्दा स्थित पैतृक आवास परिसर में कोसी सीमांचल के 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में कोसी और सीमांचल की सभी सीटें जीतना और महागठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर अधिक से अधिक सीटें जीतने पर रणनीति बनी। बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ साथ पार्टी के अभियानों की प्रगति की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि यह बैठक कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बुलाई गई है। मेरा लक्ष्य देश और संविधान को बचाने के साथ साथ किसानों एवं युवाओं की जिंदगी बचाना, छात्रों के भविष्य की चिंता, महिलाओं की खुशियों को बचाना तथा मजदूरों की जिंदगी को तबाही से बचाना है। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा हिंदू मुसलमान और जात पात की बात करना अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस से बात हुई है, कांग्रेस नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वह स्वीकार्य है, लेकिन मैं माँ और माटी से कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा और सुपौल की भी जीत की गारंटी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी पार्टी की जितनी भीड़ होगी उससे अधिक मेरे कार्यकर्ता हैं। आज सिर्फ मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और अररिया के कार्यकर्ताओं की बैठक है। 9 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे, जो मिसाल कायम करेगा। बता दें कि एक तरफ जहां पप्पू यादव कांग्रेस के कोटे से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और दावे कर रहे हैं, वहीं पप्पू सिंह ने चुप्पी साध रखी है। वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात चल रही है और अंतिम दौर की बातचीत के बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा भी टिकट के आस में अपनी राजनीतिक तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि अंदर खाने ये खबर भी सामने आ रही है कि इस बार बीजेपी पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, और ऐसे में कुशवाहा के लिए पूर्णिया से हैट्रिक लगाना टेढ़ी खीर बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।